सिखा रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स। उसके लिए चाहिए हमें एक अदद आलू, हमने उसको कद्दूकस करके रखा हुआ है धोकर। आधा कप हमें ऑयल चाहिए, 2 चम्मच हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए, 1 नाश्ते जायका आप नमक ले लें, 1 चम्मच काली मिर्च चाहिए। हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे, हाथ की मदद से इस तरह से आप निचोड़ें इसको। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमने अच्छी तरह से इसको निचोड़ा, फिर हमने इसमें चुटकी भर 1 नमक और डाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च। सारी चीज़ें मिक्स डाल के हम इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे। ऑयल हमने रख दिया है हल्की आंच पे गर्म होने के लिए। ये हमारा मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से, अब हम इसको बॉल्स बनाएंगे। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे रखा, अब इसको बॉल्स बना के हम इसमें शामिल करेंगे। इस तरह बॉल्स बनाएं और इसको इसमें शामिल करें। अब देखें हमारे गोल्डन हो रहे हैं, इनको हमें पलट देना है। और आँच अब हल्की कर दें। हल्की आँच पे अब पकाएं। 5 मिनट मैंने इसको गोल्डन फ्राई किया है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हमने इसको डिश आउट किए करा। आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।